स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। राजधानी भोपाल के उत्तर विधानसभा के निर्दलीय प्रत्याशी अताउल्लाह इकबाल द्वारा वर्तमान विधायक पर लगाए गए गंभीर आरोप, जिन मुस्लिम वोटों के सहारे पूर्व मंत्री आरिफ अकील बरसों बरस अपनी सत्ता का सिक्का जमाए बैठे रहे, उस कौम को कभी अपना माना ही नहीं। मुस्लिम समुदाय जिन काजी मुफ्ती को अपना नायाब ए रसूल करार देती है, वह बुजुर्ग हस्तियां भी अकील के लिए महज मामूली नौकर से ज्यादा कुछ नहीं है। वफ की सैकड़ों एकड़ जमीन पर अपनी सल्तनत और बड़ा वोट बैंक जमाए बैठे हैं। वक्त आने पर इनके लिए हाईकोर्ट में झूठा शपथ पत्र देने से वे नहीं चूकते। उत्तर विधानसभा के निर्दलीय उम्मीदवार अताउल्लाह इकबाल ने पूर्व मंत्री आरिफ अकील पर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा, कांग्रेस की 18 महीने की सरकार के दौरान अकील अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री थे। उनके ही विभाग में आने वाली मसाजिद कमेटी द्वारा काजी मुफ्तियों पर सामान्य कर्मचारियों की तरह आदेश जारी किए गए हैं। इस कमेटी ने तमाम काजी मुफ्ती उलेमाओं को किसी भी तरह का बयान, तकरीर या अपनी बात कहने से सख्ती से रोकते हुए उन पर कई पाबंदियां लगा दी थी। साथ ही ये चेतावनी भी दी गई कि कोई भी काजी या मुफ्ती इस आदेश का उल्लंघन करता पाया तो उसके खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। अताउल्लाह ने कहा कि आम कर्मचारियों के साथ किया जाने वाला यह व्यवहार काजी मुफ्ती के साथ किया जाना बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि इन दमनकारी नीतियों के खिलाफ ही वे चुनाव मैदान में उतरे हैं। भोपाल से न्यूज 69 के लिए आदिल खान की रिपोर्ट। सबसे पहले तो जो उत्तर विधानसभा की समस्याएं हैं वो बहुत गंभीर समस्याएं हैं। कोई काम नहीं होता किसी भी वर्ग का, भले किसी भी समाज का हो। जितने भी मुस्लिम इरादे हैं उसमें विधायक जी की पिछले 30-35 साल से गुंडागर्दी चली आ रही है, भले बीजेपी की सरकार रहे या कांग्रेस की सरकार रहे, क्योंकि ये दोनों सरकारें एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर पूरा पूरा सहयोग करा जाता है मुसलमानों को, इरादों को खत्म कराने के लिए, यहाँ तक हत्या के शेर काजी शेर मुफ्ती को पाबंदी लगा दी जाती है कि आप हमारी बगैर इजाजत के कुछ नहीं कहोगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब फ्रांस वालों ने गुस्ताखी करी थी तो हम लोग गए थे, उस टाइम सभी लोग थे, कुछ पत्रकार बंधु भी थे, हम गए, अब्दुल कलाम साहब से बात हुई कि अब भोपाल के लोगों को क्या करना चाहिए, तो उन्होंने बोला कि हम कुछ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते मैंने पूछा, तो उन्होंने कहा कि हमें मसाजिद कमेटी ने बैन कर दिया। बैन किसने करा? उस टाइम कांग्रेस की बनाई हुई कमेटी थी, मसाजिद कमेटी, जो कि आरिफ अकील साहब उस टाइम वक्फ मंत्री रहे थे, उनके द्वारा कमेटी बनाई गई थी। और यहाँ तक उस शेर काजी शेर मुफ्ती को जब जो कमेटी बैन कर सकती है, तो आप ये बताइए कि आम आदमी की क्या कंडीशन होगी। इलेक्शन में बोलने की ये वजह कि देखिए, ये दोनों थाली के एक ही चट्टे बट्टे हैं, भले कांग्रेस हो या बीजेपी। इससे पहले आरिफ अकील साहब ने बाबूलाल गौर गृह मंत्री थे तो उनसे कहकर मेरे ऊपर केस लगवाया, मैं 8 महीने 2 दिन जेल काट के आया, क्योंकि वक्त की प्लाटों की लोगों की नारियल खेड़े आरिफ नगर की किराएदारी का काम कर रहा था। तो जब आज मुझे मेरा चुनाव लड़ने का ही मकसद ये है कि भोपाल की जनता को इन दोनों बेरोपियों की हकीकत बताऊं कि ये आपके साथ क्या करते हैं, ये कौम के रहबर बनते हैं। जब इनको टिकट नहीं मिलता, जब ये जनता दल से चुनाव लड़ते हैं तो इनका नारा रहता है, ये हाथ नहीं हथौड़ा है, इसी ने बाबरी मस्जिद को तोड़ा है, जो कांग्रेस को वोट देगा वो बाबरी मस्जिद की ईंट गिराएगा। और जब इन्हें टिकट मिल जाता है तो कहते हैं अली का बन जाए। ये इनने भोपाल की आवाम को बेवकूफ बना के रख रखा है। आरिफ नगर बसाते हैं, हाईकोर्ट में ये शपथ पत्र लगा देते हैं कि साहब हमारा कोई लेना देना नहीं है। उनकी बीवी लगा देती है कि हमारे मियाँ को बदनाम किया जा रहा है। ये क्या है, कब तक चलेगा? आज ये बताइए, मॉल जैसे आरिफ नगर में, आरिफ नगर स्टेडियम में, मेरे कहने अभी खसरा है, आपको बता दूंगा मौजूदा स्थिति में, जो 1974 का जिसमें कब्रस्तान के नाम से दर्ज है, उधर खेल ग्राउंड बना दिया जाता है। क्या हमारे बुजुर्गों ने खेल ग्राउंड बनाने के लिए बनाई थी जगह? ये आज कौम को तबाह और बर्बाद करके रख रखा है। शिवराज जी ने अगर गोद लिया होता, तो कोई अगर बच्चा गोद लेता है तो उस बच्चे की परवरिश करता है, अच्छे तरीके से पढ़ाता लिखाता है। सीएम हाउस से 2 किलोमीटर उत्तर विधानसभा लग जाता है, शिवराज जी ने सिर्फ गोद लिया था, बाकी इसके कभी आज तक उस बच्चे को देखा नहीं कि वो बच्चा कपड़े भी पहने है या यतीम है, किस तरीके से घूम रहा है। मैंने आपको बताया कि ये एक ही थाली के दोनों चट्टे बट्टे हैं। आलोक शर्मा ने सिर्फ मरघट बनाने के अलावा क्या करा बताइए? इससे पहले आरिफ अकील साहब के साथ रहे, उनने उनको हराने का काम करा, उनने उनको, मैंने आपसे बताया तो ये दोनों एक ही ताली के चट्टे बट्टे हैं। तो आप कैसे लोगों को निजात दिलाएंगे?
मैं लोगों का काम करूंगा, अल्लाह का शुक्र है मैंने काम करा, 8 महीने जेल लेके आया मैंने, अगर लोगों का काम नहीं कर रहा होता, मैंने वक्त की किराएदारी कराई लोगों की नारियल खड़े में, जो 4 साल बाद मैंने पैसे दिलाए, अगर वो जो चेक से पैसे दिलाए वो तक मेरे प्रूफ है, मेरे कहने बहुत सारी चीजें होंगी जो अगर लोग आए मांगे मैं दूंगा। इस खबर पर आपकी क्या है राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।